नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड से भले ही आज बिपाशा बसू दूर हैं, लेकिन आज भी उनके चर्चे हर किसी के जुबा पर रहते हैं। साल 2001 में आई फिल्म अजनबी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को हैरान कर दिया था। एक्ट्रेस की ये डेब्यू फिल्म थी। अजनबी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने जिस्म, कॉर्पोरेट, बचना है हसीनो, राज 3 और अलोन जैसी फिल्म में धमाल मचा चुकी हैं। एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए जानने वाली बिपाशा बसू के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाना इतना आसान भी नहीं था। सामने रंग की वजह से शुरू में उन्हें दिक्कत भी हुई, लेकिन एक के बाद एक कई फिल्म हिट देखकर उन्हें लोगों ने दिल से सांवले रंग के लिए नज़रिया बदल ही दिया। 7 जनवरी को आज बिपाशा बसू अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। 1979 को दिल्ली में जन्मी बिपाशा बसू का पालन पोषण बंगाली परिवार में हुआ। पहले बिपाशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मॉडलिंग और अभिनय करियर में बनाने के लिए मुंबई पहुंच गईं। मुंबई जाने से पहले एक्ट्रेस ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। एक इंटरव्यू में बिपाशा ने बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर वो मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। इसके बाद बॉलीवुड में जब उनकी एंट्री हुई तो डॉक्टर बनना भूल गई। बिपाशा बसू जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए चर्चा में रही, उससे ज़्यादा चर्चा उनकी निजी जिंदगी की हुई। खुद के 4 साल छोटे करण सिंह ग्रोवर संग शादी से पहले एक्ट्रेस के नाम एक या दो नहीं बल्कि बहुत लोगों संग जुड़े थे। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो लोग। बिपाशा के सबसे पहले बॉयफ्रेंड मिलिंद सोमन रहे। जब बिपाशा मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख रही थी, तब मिलिंद खुद का नाम हासिल कर चुके थे। मॉडलिंग के दौरान हुई थी मुलाकात। 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज में बिपाशा और डीनो मोरिया को पहली बार लोगों ने साथ देखा। दोनों के बीच रिश्ते की खबरें भी सामने आई, लेकिन ज़्यादा समय तक दोनों का रिश्ता चल ना सका। 2002 में ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बिपाशा का नाम जिस एक्टर संग सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, वो और कोई नहीं जॉन अब्राहम थे। दोनों बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल रहे। 9 सालों तक लिव इन में रहने के बाद अचानक दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया तो सभी हैरान रह गए। हालांकि कहा जाता है जॉन अब्राहम बिपाशा को चीट कर रहे थे, इसी वजह से उनका रिश्ता खत्म हुआ। फिल्म बाहुबली में भल्ला देव का किरदार निभाने वाले राणा दुग्गबत्ती भी बिपाशा बसू के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। दम मारो दम फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई। हर बार की तरह यह रिश्ता भी चल ना सका। बिपाशा बसू ने साल 2016 में खुद से 4 साल छोटे तलाकशुदा एक्टर करण सिंह ग्रोवर संग शादी कर ली थी। साल 2015 में फिल्म अलोन के सेट पर बिपाशा की मुलाकात करण से हुई थी। दोनों ने 1 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला लिया। दोनों की शादी भी काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि बिपाशा की ये पहली शादी थी, लेकिन एक्टर करण सिंह ग्रोवर की ये तीसरी शादी थी। दोनों ने बंगाली रीति रिवाजों से शादी की थी। बीते साल 2022 में बिपाशा बसू ने बेटी को जन्म दिया। शादी के 6 साल बाद बिपाशा बसू और करण सिंह ग्रोवर ने बच्चे का फैसला लिया। आज दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम उन्होंने देवी बसू सिंह ग्रोवर रखा है। बिपाशा बसू सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। अक्सर ही एक्ट्रेस अपनी बेटी की भी तस्वीरें शेयर करती हैं। हालांकि अब तक एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।